बेटा फाइनली 12th के बाद दोबारा लग जाओ काम पे। हैं, कई बार इंसान सोचता है कि यार 12th तक पढ़ाई कर लो बस। इन कितने दिन का आराम मिला तुम्हें? मिल गया फिर भी, मुझे लग रहा है 10-20 दिन का आराम तो। कब थे लास्ट पेपर? कब था? 28 था ना, तो हाँ 27। वो आप 20, 1 महीने का आराम तो हो ही गया एक तरीके। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि हाँ जी, हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे बेटा कि ना पहले तो पेपर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? बेटा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आपका जो पेपर है, इस पेपर का नाम अब क्या रख दिया गया है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या रख दिया है पेपर का नाम? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 100 नंबर का पेपर है, यानी कि 100 मार्क्स। और इसमें आपका मेनली तीन चीजें आती हैं बेटा। इसमें एक है बेटा जी आपका मैथ्स, फिर एक पोर्शन है LR, और फिर एक पोर्शन है बेटा आपका क्या? स्टैट्स। मैथ्स, LR और स्टैट्स, जिसमें से 40 नंबर का आपका मैथ्स है, 20 नंबर की LR है, 40 नंबर का स्टैट्स है। पेपर में ऐसे नहीं आता जैसे CBSE का पेपर आता है कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो आप सोचो कि कहीं कुछ ऐसा आए कि पहला सेक्शन मैथ्स का होता होगा, फिर LR का, फिर स्टैट्स का। कैसा पेपर होगा? मिक्स पेपर। पहला क्वेश्चन मैथ्स का, दूसरा क्वेश्चन LR का, तीसरा क्वेश्चन स्टैट्स का। फिर लगातार स्टैट्स, फिर लगातार LR, फिर लगातार मैथ्स, फिर स्टैट्स, मिला जुला। पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है? आइए पहले थोड़ा सा इस बात को समझेंगे ना कि पेपर में दिक्कतें क्या क्या है। कोर्स बहुत आसान है, कोर्स बहुत आसान है अगर हमारा बेसिक ठीक है तो। हमने अगर ठीक ठीक सी भी पढ़ाई करी है अप टू 12th, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करी है ठीक ठीक सी, डाउट आ जाता है ना अपने। अगर नहीं करी है ठीक ठीक सी, अब कर लेना। क्या बोला मैंने? अब कर लेना। यहां पे मैं बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको चीजें याद रखनी है, बहुत जल्दी याद रखनी है, बहुत ज्यादा रिवाइज करनी है, क्योंकि पेपर बेटा कब है? सितंबर में ही है एक तरीके से देखा जाए तो। ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट लग तो ऐसे ही रहा है कि पेपर कब है? सितंबर में। और हमारे लिए यही मानना बेहतर है कि सितंबर में पेपर है, जिससे हम चीजें जल्दी जल्दी क्या करें? फिनिश करें। हाँ हालांकि अभी पहली दूसरी क्लासेस में तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट करके फिर हम चीजों को क्या करेंगे? एक स्पीड अप करेंगे, जब आपकी और मेरी एक ट्यूनिंग बैठ जाएगी। ट्यूनिंग समझते हो? जैसे मैं जिस तरीके से बताता हूँ, मैं जिस तरीके से बोलता हूँ, अगर जब एक मैच फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो फिर मैं अगर वही चीज जल्दी जल्दी भी बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके साथ पहले आपको एडजस्ट करने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि आपका जो पेपर होता है, ये आपका पेपर है क्वेश्चन पेपर। इसमें मान के चलो कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर
ये है क्वेश्चन नंबर 99, फिर ये है क्वेश्चन नंबर 100। अब यहां पे आपका एक लाइन मान के चलो, ये आपके लिए क्या है, ब्लैंक पेपर यानी कि रफ शीट। क्या है ये आपके लिए? ब्लैंक पेपर यानी कि रफ शीट। सर मतलब रफ शीट मिलेगी नहीं अलग से? नहीं, आपको पेपर में सिर्फ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर और साथ के साथ आपको मिलेगी ओएमआर शीट। क्या मिलेगी? जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4 सर्कल होंगे और जिनके ऊपर लिखा होगा ए बी सी और डी। आपको जो आंसर सही है उसको क्या करना होगा, सर्कल करना होगा। समझ गए बात को? लेकिन आपको रफ शीट नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पेपर में ये आनी है आपको, लेकिन ये ओवरकम हो जाएगी। कैसे होगी बताऊंगा अभी। अच्छा, ये जो पेपर होगा जहां पे 100th क्वेश्चन होगा, उसका जो बैक साइड होगा ना, वो बैक साइड भी आपका क्या होगा, ब्लैंक होगा। और एक तरीके से आपके पास 1.5 पेज खाली है, किसके लिए, रफ काम करने के लिए। क्या ये सफिशिएंट है? 100 क्वेश्चनों के हिसाब से सफिशिएंट है ये? नहीं है। स्कूल में आपने एमसीक्यू पेपर अगर कभी दिया होगा तो वहां पे ना रफ शीट मिल जाती है मांगने पे, रफ शीट मिल जाती है मांगने पे। यहाँ पे मांगने पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस को कैसे करें, ओरली सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें? माइंड में सॉल्व करें, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि ये सब चीज जो यहाँ पे पूछी जा रही है वो सब पहले से आपको आता है। आपको तो बस क्या करना है, हल्का हल्का रिवाइज करवाना है। और हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको जो सीख के आए हो वो कितना अच्छे से सीख के आए हो। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए वो आपको रफ शीट कभी नहीं प्रोवाइड करवाते। हालांकि पूरे सच बताता हूं, लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था, जो अब हो चुका है, अब जून में, जून के बाद सितंबर में तुम्हारा होगा, लास्ट वाला अटेम्प्ट जो दिसंबर में हुआ था, जिसका रिजल्ट फरवरी में आया था, तो दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर बच्चों ने ये बोला था, बड़े खुश थे बच्चे उस पेपर को लेके। बच्चों ने ये बोला था कि सर 3 पेज आए थे। 3 पेज का मतलब समझते हो? एक साइड में 2 पेज, एक पेज के 2 साइड हो गई ना, तो 3 पेज की कितनी, 6 साइड हो गई। यानी कि कुल मिला के 6 पेज थे क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, अलग से नहीं मिलता कुछ भी। और बच्चे बहुत खुश थे कि पता नहीं उन्होंने यूज किया या नहीं किया, बस पेपर अच्छा गया था, पेपर आसान आया था, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जून वाला जो पेपर होता है वो थोड़ा सा वैसा आता है, उसमें क्वेश्चन लेंदी वाले आते हैं। नवंबर वाला जो पेपर होता है उसमें कैसे आते हैं, शॉर्ट वाले। अब लेकिन तुम ना जून वाले हो ना तुम नवंबर वाले हो, नवंबर दिसंबर वाले, तुम उनके बीच में क्या आ गए, सितंबर। हालांकि मुझे लगता है कि आपका जो पहला अटेम्प्ट है ये वाले नए कोर्स का, तो पेपर कैसा देंगे, नॉर्मल देंगे। रीजन है बेटा, सब कुछ कमर्शलाइजेशन है, बिजनेस है सब कुछ। उन्हें भी तो क्या करना है, रिजल्ट निकाल के थोड़ा सा बढ़ावा देना है ना, कि हाँ ये कोर्स भी आसानी से हो जाता है। चलिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के पास, लिखने का स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेटर अलाउड है। और कैलकुलेटर कौन सा लेना है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी होगी आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसियो का एक कैलकुलेटर आता है 12D। क्या है कैसियो का कैलकुलेटर? 12D, ये लेना है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर अलाउड है, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन पेपर लिखने के लिए नहीं है, ये नेगेटिव बात है।
इसके अलावा एक और नेगेटिव बात भी है, दूसरी नेगेटिव बात ये है, तुम्हें पता है टाइम कितना है ये पेपर का, इस वाले पेपर का टाइम अलाउड कितना है? 2 आवर्स। अकाउंट्स का और लॉ का पेपर 3 घंटे का है क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, और ये 2 घंटे का है क्योंकि ये एमसीक्यू है। तुम्हें पता है 2 घंटे का मतलब क्या हुआ? 120 मिनट। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि हर मिनट में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये अपने आप में क्या है? चैलेंज है। क्या बोला? ये अपने आप में क्या है? चैलेंज है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तुमने का फिर होगा कैसे, धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को, कुछ आज पता चलेगा, कुछ आगे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। अब जरा देखिए, तो ये तो मैंने थोड़ा पेपर के बारे में आइडिया दिया आप लोगों को। अच्छा, ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात बता देता हूं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या बोला? क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे सीबीएसई में नहीं करते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, टुगेदर के क्वेश्चन कर लो, उसी में से पेपर आता है, ऐसे करके होता है ना। ऐसे यहाँ पे भी जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, आप वो करके जाएं, आईसीआई की बुक करके जाएं, एमटीपीस करके जाएं, तो क्या मिलेगा आपको? पेपर में रिपीटिशन मिलेगा। हाँ, आप तुम नंबर से नंबर मैच करो कि सर ने तो 4 लिखवाया था, यहाँ तो 400 आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, मैच करते हैं। इसीलिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट करके देते हैं, इसीलिए ये पेपर जो है बाहर नहीं देते। आपको पता है अकाउंट्स का पेपर जब आप देने जाओगे तो आप क्वेश्चन पेपर साथ लेकर आओगे, लॉ का पेपर भी साथ लेकर आओगे, मैथ्स का पेपर भी साथ नहीं लाओगे। वो तुमसे ओएमआर शीट भी रखवा लेंगे और क्वेश्चन पेपर भी रखवा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बार बार वही क्वेश्चन सी घुमा फिरा के देते हैं। तो आप सोचो, अगर मान लिया मेरे पास 10 सालों के लगातार पेपर आ जाए, हैं, फिर तो बस खत्म बात। 50% पेपर में क्या कर सकता हूँ? प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए वो पेपर बाहर नहीं देते, ना मैथ्स का देते, ना इको का देते, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें, तो आपके साथ डिस्कस करते हैं, कोई चैप्टर ले लेते हैं, और मैं चैप्टर आपके साथ डिस्कस करता हूं, एक एक छोटा सा चैप्टर लेता हूं, इनइक्वालिटी। क्या बोला मैंने? चैप्टर क्या लेता हूं? इनइक्वालिटी। एक्चुअली जानबूझ के ऐसा चैप्टर ले रहा हूं, आज ही शुरू हो जाएगा और आज ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है ना, करने तो सारे ही है बेटा। अगर कभी भी इक्वल का साइन आता है किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, किसका साइन आता है? इक्वल का, तो इसे कहा जाता है इक्वेशन। क्या कहा जाता है? लेकिन अगर कभी ये वाले साइन आते हैं, अगर कभी ये वाले साइन आते हैं, इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। तो बेटा ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं हम इनइक्वेशंस। क्या कहते हैं हम उन्हें? इनइक्वेशंस। और यहां पे आप जरा देख लीजिएगा, जैसे अगर लिखूं 2x + 3y < 5, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो बेटा याद रखना कि आप इनको बोलोगे क्या? इनइक्वेशन। क्या बोलोगे बच्चों? इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। वैसे इनइक्वालिटी बोलते ज्यादातर, लेकिन मैं यहां पे क्या बोलना चाहता हूं? इनइक्वेशन। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहता हूं इनइक्वेशन, क्योंकि जब इक्वल का साइन आता है तो मैंने वहां पे क्या नाम लिया था? इक्वेशन। तो क्या सीखा आपने?
जब इक्वल का साइन आता है तो क्या बोलते हैं उसे, इक्वेशन, और जब इनइक्वालिटी का साइन आता है तो क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन। कोई कंफ्यूजन? तो यहां पे हम सबसे पहले, मैंने बोला आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, इनइक्वेशन, ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा, इनइक्वेशन में बेटा मैं आपको बताऊं एक बात याद रखना, हर इक्वेशन का क्या होता है, एक ग्राफ, हर इक्वेशन का क्या होता है और हर ग्राफ की क्या होती है एक, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, जो इनइक्वालिटीज होती है, बेटा यहां पे लिख देता हूं और देख लीजिएगा ये नोट करके, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी graph of inequality will always be straight line, graph of inequality will always be straight line। actually मैं आप लोगों ने मैथ्स बैकग्राउंड हो बेटा, नॉन मैथ्स, मैथ्स बैकग्राउंड हो आप बेटा, ठीक है, दोनों मैथ्स बैकग्राउंड है आप, ठीक है। तो यहां पे आप जरा देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका अगर कभी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि स्कूल में इसका ग्राफ कैसे तैयार किया जाता था। स्कूल में इसका ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे बेटा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे x वैल्यू और y वैल्यू, और एक बार x वैल्यू क्या रख देते थे, जीरो। अच्छा, जब जीरो रखते थे तो ना बेटा जी आपको याद ही होगा 2x प्लस 3y को पहले क्या मान लेते थे, इक्वल टू, क्या मान लेते थे, इक्वल टू। तो आप यहां पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर x की जगह जीरो रखा जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 10 की जगह आसान करने के लिए 12 कर देता हूं। तो अगर यहां पे x की जगह जीरो रखा जाएगा, तुम सबको पता है y का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 4। अरे आ रही है बात समझ में? और ऐसे ही जब y का वैल्यू जीरो रखा जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6। फिर उसके बाद हम ग्राफ बनाते थे, क्या बनाते थे दोस्तों, ग्राफ बनाते थे और इस हाँ जी जो ग्राफ बनाते थे उसमें ऐसे लाइन कोशिश करते थे कि जैसे यहां पे ये पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, और यहां एक पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, और फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दोनों पॉइंट से। तो ये आपकी लाइन बन गई कौन सी, ये आपकी लाइन बन गई कौन सी, आपकी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। मैंने यहां पे चेंज नहीं करा, अब कर देता हूं लेस देन इक्वल्स टू 12। आ रही है बात समझ में? लेकिन बेटा ये तो स्कूल वाला तरीका होता था, ये एमसीक्यू वाला तरीका तो नहीं है, है ना? तो आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, सुन लो पहले, तो ये तो पता चल गया है कि इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन कैसा बनता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी दो तरीके की लाइन होती है। अगर कभी भी ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इस बात को, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल इनइक्वालिटी, और वन वेरिएबल इनइक्वालिटी का मतलब है एक्स मान लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, या एक्स लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, कुछ भी हो सकता है सर, फर्क नहीं पड़ता इससे। सुनो, इनइक्वालिटी कैसी, मतलब लाइन कैसी बनेगी,
लाइन का शेड कैसा बनेगा ये इस वाले साइन पे डिपेंड करता है, लेकिन लाइन कैसी बनेगी ये साइन पे डिपेंड नहीं करता। ये वाला जो साइन होता है, मैं याद दिला दूं, ये वाला साइन को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इस वाले को क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे आपका जो वन वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी होती है, और खास तौर से अगर वो कैसी है, खास तौर से वो अगर एक मिनट रुकना, चलो मैं वैसे ही कर देता हूं, ये लो, एक मिनट रुकना बेटा, ऐसा ना परेशान कर रहा। हाँ ठीक है, तो यहां पे आप जरा देखो, ये x की वैल्यू यहां पे कितनी है, 1, और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, 2। तो बेटा जी मैं यहां पे क्या करूंगा, बस एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? और चाहे x ग्रेटर देन 2 हो या x लेस देन 2 है, लाइन तो यही बनेगी। ठीक है, तुमने कहा फिर फर्क क्या आता है इसका, इसका मैं याद दिला देता हूं, फर्क आता है शेड्स का। किसका फर्क आता है, कि शेडेड एरिया किस तरफ होगा वो डिपेंड करेगा कि ये लेस देन है के मोर देन है। ठीक है, अच्छा ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं, चाहे अब आप इसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मानो या फिर x लेस देन इक्वल टू 2 मानो, दोनों इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि मैंने शेडेड एरिया की बात अभी नहीं करी है। अच्छा ये था तब जब x एक्सिस वाला था, कल को हो सकता है y एक्सिस वाला भी हो, जैसे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ऐसे में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो लाइन कैसी बनेगी बेटा, ये लो जी ये लाइन बन गई, समझ गए बात को। और चाहे y ग्रेटर देन वाली 3 वाली लाइन बनाओ या y लेस देन इक्वल टू, मतलब सिंगल वेरिएबल वाली हमेशा कैसी बनती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। सिंगल वेरिएबल वाली कैसी बनती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। बेटा ध्यान रखना, स्कूल में क्या होता है, जरा सा कॉन्सेप्ट करवाते हैं फिर एकदम से क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। यहाँ पे भी कुछ कुछ जगह पे करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या बोला, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद एक ही बार में क्या करवाऊंगा, क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं यहां तक अभी। आप मैथ्स बैकग्राउंड है, नॉन मैथ्स, मैथ्स बैकग्राउंड। भाई देख यहाँ पे अच्छी बात है कि ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस हुआ, थोड़ा 10 मिनट बाद मैंने चालू करी थी, इनइक्वालिटी करके एक टॉपिक चालू करा। ठीक है, इनइक्वालिटी, ये जो साइन होते हैं इनको इनइक्वालिटी बोलते हैं, और जिस भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये साइन आ जाते हैं उसे बेटा जी क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन। क्या बोलते हैं दोस्त, इनइक्वेशन। अगर कभी इक्वल का साइन आता है तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, इक्वेशन। क्या बोलते हैं ऐसी चीजों को, इक्वेशन। यार एक मिनट रुकना बेटा, कई बार कोई सा बटन दब रहा है। चलो इधर देखो जी, चल जाए, हाँ ठीक है चल गया। तो बेटा मैंने क्या बोला, जहां पे इक्वल का साइन आता है उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन, और जहां पे इनइक्वालिटी का साइन आता है उसे क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन। मैंने बताया कि इनइक्वेशन यानी कि इनइक्वालिटी जो होती है, इनका ग्राफ बनाने की जब बात आती है
बेटा डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, एमसीक्यू पेपर है, डायग्राम थोड़ी बनाने के लिए आएगा। तो मैंने इन्हें पहले से ही बता दिया कि इन इक्वेशंस का भी ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है वो? बल्कि ये बात हमारे बीच डिस्कस हुई सबके साथ कि हर ग्राफ की क्या होती है? इक्वेशन। और हर इक्वेशन का क्या होता है? ग्राफ। ठीक है ना, याद रखना ये बात, हर ग्राफ की क्या होती है? इक्वेशन। और हर इक्वेशन का क्या होता है? ग्राफ। तो दोस्तों यहां पे आपका मैंने बता दिया कि जो इनइक्वालिटी होती है उसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है उसका ग्राफ? अब मैंने थोड़ा सा याद भी दिलाया ने कि कैसे ना, जब स्कूल में इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाया गया था तो स्कूल में क्या करते थे दोस्तों? स्कूल में इनइक्वालिटी को पहले किस में कन्वर्ट कर लेते थे? इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते थे। फिर एक बार एक्स की जगह जीरो रखते थे, फिर एक जगह वाई की वैल्यू जीरो रखते थे, ऐसे ही करते थे ना। और यहाँ पे एक बार एक्स का एक्स और वाई की वैल्यू 0 4, और एक बार एक्स और वाई की वैल्यू 6 0। ठीक है, ये पॉइंट लगा के क्या कर देते थे? ज्वाइन कर लेते थे। हैं, अच्छा अब इससे आगे चलते हैं। और आपका मैंने फिर इन्हें बताया, भैया अब आ जाओ इस बात पे कि ग्राफ कैसे बनते हैं। तो वन वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी अगर होगी, सिर्फ एक्स वाली या सिर्फ वाई वाली, जैसे देखो एक्स लेस देन टू या वाई, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने क्या करा। यहाँ पे बेटा जी आपका एक्स की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 थी, मैंने 2 से एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ये जो लाइन है ये किस इनइक्वालिटी की लाइन है? एक्स ग्रेटर देन 2 या एक्स लेस देन 2, दोनों के लिए यही बनेगी। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि शेडेड एरिया के टाइम पे, किसके टाइम पे। अगर मान लिया, मैं बता देता हूं, चलो अगर मान लिया आपका एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो शेडेड एरिया ये वाला होगा, ग्रेटर देन 2 इस तरफ ही होता है ना। और अगर आपका एक्स लेस देन 2 होगा तो शेडेड एरिया इस तरफ होगा, 2 से छोटा। आ रही है बेटा बात समझ में? अच्छा जी, ऐसे ही तो शेडेड एरिया मैटर कर सकता है, लेकिन लाइन तो सेम ही रहेगी। अच्छा इसके आगे चलते हैं। ऐसे ही फिर मैंने वाई वाला बनाया, तो वाई वाला कैसा बनेगा? वर्टिकल। वाई वाला कैसा बनेगा बेटा जी? वर्टिकल बनेगा। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, शेडेड एरिया के हिसाब से लेस देन और ग्रेटर देन होगा। लेकिन अब आती है टू वेरिएबल वाली टू वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी। तो टू वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी जो है, याद रखना बच्चों, या तो कैसी बनेगी? डाउनवर्ड, या कैसी बनेगी? अपवर्ड। या तो कैसी बनेगी? डाउनवर्ड, या फिर कैसी बनेगी? अपवर्ड। सर लेकिन क्या ग्राफ बनाएंगे हम? अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पे, वी आर सो बिजी पर्सन। ठीक है, तुमने कहा फिर बेटा मैं आपको बता देता हूँ कैसे डिसाइड होगा, जरा देख लीजिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ बोथ द वेरिएबल इफ बोथ द वेरिएबल आर इन सेम साइड, अगर दोनों वेरिएबल कैसे हो? सेम साइड में हो। सेम साइड का मतलब होता है या तो लेफ्ट हैंड साइड हो दोनों, या इफ बोथ द वेरिएबल आर इन सेम साइड हैविंग सेम साइन। पहले क्या बोला? सेम साइड, फिर क्या बोला? सेम साइन, देन देन ग्राफ ऑफ
इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन विल बी डाउनवर्ड। दोस्तों इधर देख लो, तुम्हें तो यार स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी पता है। अगर लिखा है 2x plus 3y less than equal to 5, तो बेटा यहां पे आप देखो क्या ये बेसिकली आपकी 2x और y दोनों कौन सी साइड है? कौन सी साइड x और y? लेफ्ट हैंड साइड। आ रही है बात समझ में? अच्छा हाँ जी, और दोनों के कोफिशिएंट किस साइन के हैं बेटा? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। समझ जाओ बच्चे, कंफर्म्ड बात है। लाइन कैसी बनने वाली है? डाउनवर्ड। लाइन कैसे बनने वाली है? डाउनवर्ड। मैं लिख देता हूं यहां पे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5। दोस्तों याद रखना, शेडेड एरिया पे मैटर करेगा कि लेस देन लिखा हुआ है या ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेकिन लाइन आपकी क्या बनेगी? यही बनेगी। और ऐसे ही चलू आगे, चलू लिख लिया ये। अगर मैं यहां मेंशन कर देता हूं, इफ बोथ वेरिएबल आर आर इन सेम साइड हैविंग हैविंग डिफरेंट साइन। क्या बोला? हैविंग हैविंग डिफरेंट साइन। तो यहां पे आप जरा देखो, जैसे मैं लिख देता हूं 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 10, तो ऐसे में बेटा जी आपका क्या होगा? ऐसे में लाइन बनेगी। लेकिन जैसा कि आप में से ही कोई बोल रहा था, लाइन कैसी बनेगी? अपवर्ड। लाइन कैसी बनेगी बच्चे? अपवर्ड। ठीक है, क्या मैं इसे एक्सप्लेन करूं या समझ गए? स्लोप वाला मामला है। कैसा मामला है? इधर देख, मैं वैसे समझा देता हूं। इधर देखना भाई, यार एक बात बता, सोच के देख। अगर मैं इसे लिखूं 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5, और तुम्हें ध्यान है ना y इक्वल टू mx प्लस c। जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको नहीं याद होता, लेकिन आप तो मैथ्स बैकग्राउंड ही है। अब मैथ्स है ना? अच्छा तुम नहीं हो, चलो फिर ठीक है, अच्छा हुआ ना बता दिया। तो यहाँ पे आपका बेसिकली तेरे को बस यही याद रखना है, अगर दोनों वेरिएबल सेम साइड के हैं, सेम साइड पे है और सेम साइड के है, तो लाइन कैसी बनेगी? डाउनवर्ड। और अगर दोनों वेरिएबल सेम साइड है लेकिन अलग अलग साइन है, तो क्या बनेगी? अपवर्ड। अब इधर देखो, फिर मैं जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो जानते ही हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर इसे कन्वर्ट करूंगा तो एम कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर नीचे वाला मैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करूंगा तो एम कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए ये डाउनवर्ड और अपवर्ड। लेकिन अब दोनों तरीके के बच्चे हैं, और स्लोप निकालने के लिए भी एक स्टेप करना पड़ता है कि वाई को एक तरफ लो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ लो। मैंने झंझट ही खत्म कर दिया, मैंने क्या याद करवा दिया? दोनों वेरिएबल सेम साइड सेम साइन तो डाउनवर्ड, सेम साइड डिफरेंट साइन तो अपवर्ड। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए जरा चेक कर लेता हूं आप लोगों को समझ में आ गई बात या नहीं। दोस्तों ये बताइएगा, आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड? क्यों क्यों? दोनों सेम साइड हैं और पॉजिटिव है। देख ले, अब
भाई देख लो आप दोनों, ग्राफ तो बनाना नहीं पड़ रहा ना, बस इक्वेशन देख के ही समझ में आ रहा है ना। अच्छा और सुनो, कैसा बनेगा? अपवर्ड, सेम साइड है। और अच्छा इधर देखो, कई बार बच्चा कहता है, कुछ कुछ बच्चा कहने लग जाता है, कहता है सर अगर मान लिया अलग अलग साइड हुआ तो, मतलब कुछ ऐसा हुआ तो वाई इज लेस देन इक्वल टू 3x+50। मैंने कहा तो क्या दिक्कत है? कह रहा आपने तो सेम साइड में बताया है। अबे तो मैंने कहा इसे सेम साइड लेकर आ जा, 3x को कहाँ ले आएंगे? इस तरफ ले जाएंगे बेटा, और अगर 3x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3x+y <= कितना? 50। सिर्फ आप बताएंगे बेटा, नाम बताना, अपना नाम बताओ लास्ट में। निकेश, नितिश, स्पेलिंग बोलो। अच्छा निकेश, आपका नाम क्या है? स्पेलिंग क्या है? बाद में बात करता हूँ, ठीक है विनीत। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लिकेश बता, ये कैसी है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। तो अगर दूसरी साइड होगा तो एक साइड लिया। चलो जी, अब तुम्हें ये डिसाइड हो गया, इनइक्वालिटी देखते ही तुम बता सकते हो कि ये कैसी बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी या अपवर्ड है। और अगर सिंगल वेरिएबल वाली होती है तो एक्स वाली कैसी बनती है, वर्टिकल, और वाई वैल्यू कैसी बनती है, चलो आगे देखो। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे निकालते हैं? तो सुनो, शेडेड एरिया के लिए पहले दो कैटेगरी, डाउनवर्ड और अपवर्ड। क्योंकि देखो सिंगल जो वैसी वाली होती है ना, स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसमें तो बड़ी आसानी से जज कर सकते हो। यहाँ पे लाइन डाल दी, एक्स की वैल्यू 2 दे रखी थी ना, ग्रेटर देन या लेस देन 2। तो यहाँ पे लिकेश देख ले, अगर ये ऑरेंज वाला मैं इनइक्वालिटी लू, एक्स ग्रेटर देन 2, क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू 2 से, तो मैंने देख 2 के बाद वाला, 2 के बाद वाला एरिया शेड कर दिया, जहां पे एक्स की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और अगर ये वाला ग्रीन वाला लेते हैं, एक्स लेस देन 2 के, एक्स की वैल्यू 2 से, तो मैंने नीचे वाला एरिया शेड कर दिया। ऐसे ही अगर मैं ये वाला लेता हूं, वाई इज ग्रेटर देन 3, कि वाई की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो शेड कौन सा करूंगा, ऊपर वाला कर दूंगा। और अगर y लेस देन 3 है तो मैं शेड कौन सा करूंगा, नीचे वाला करूंगा। आ रही है बात समझ में? तो इसमें तो कुछ करना नहीं, लेकिन सर डाउनवर्ड और अपवर्ड में, हाँ बता रहा हूं अब बेटा, डाउनवर्ड लाइन जैसे ही डिसाइड हो जाए, अब डिसाइड करना तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं है, आपको सीधा पुट करना है 0 0। 0 0 का मतलब होता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है। सबको पता होगा कि 0 0 कहां पे आता है, ये जो पॉइंट होता है, यही पॉइंट क्या है, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। क्या बोलते थे इस लाइन पॉइंट को, ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। और आपका यहां पे डाउनवर्ड लाइन, ये लो भाई डाउनवर्ड लाइन बना दिए हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपकी लाइन डाउनवर्ड बने, जब भी आपकी लाइन डाउनवर्ड बने, पुट क्या करना, 0 0, ओरिजिन की वैल्यू पुट करना। अगर ट्रू आए, तुमने कहा भी ये ट्रू का क्या पंगा है, अभी बताता हूं। जैसे इफ ट्रू, तो आपको बेटा जी, आपको शेड करना है,
शेड टुवर्ड्स द पॉइंट, इफ ट्रू शेड टुवर्ड्स द पॉइंट। तो यानी कि इसका मतलब ये इस तरीके से इस तरफ शेड की तरफ मतलब पॉइंट की तरफ शेड करना है। सर ट्रू का मतलब बता दो भाई, एक बात बता, ये देख अगर मैंने लिख रखा है 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 10, बता इसकी लाइन कैसी बनेगी, मतलब इस इनइक्वालिटी की लाइन कैसी बनेगी, अपवर्ड के डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड बनेगी ना, दोनों वेरिएबल सेम साइड सेम साइन। तो अब इसमें पुट कर दे 0 0, तूने अगर 0 0 पुट करा, तूने अगर 0 0 पुट करा तो तेरा क्या आंसर आएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, याद रख, क्योंकि लिकेश तू नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, तो ध्यान से सुन बेटा, ये वाला जो साइड होता है इस तरफ लिखते हैं लार्ज वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू, और जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ लार्ज, और जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ क्या लिखते हैं, स्मॉल वैल्यू। आ रही है बात समझ में, ये लार्ज और ये पक्का। तो यहां पे आपका अगर हम बात करें तो x की और y की वैल्यू अगर आप 0 0 रखते हो तो यहां पे देखो क्या है, 0 छोटा है 10 से, क्योंकि जहां मुंह खुला है वो वाली साइड 10 है, बड़ी साइड है, और जहां मुंह बंद है वो वाली साइड छोटी है 0। तो इसे बोलेंगे कि यानी कि इनइक्वालिटी क्या हो गई, ट्रू क्या हो गई। और जब भी कभी ट्रू होती है तो जो पॉइंट आपने लिया होता है शेड किस तरफ कर दो, उस पॉइंट की तरफ कर दो, टुवर्ड्स द पॉइंट। क्या बोला भाई लिकेश, समझू, क्लियर है अब कोई बात? अच्छा सर अगर फॉल्स होता तो, इफ फॉल्स, शेड अवे फ्रॉम पॉइंट, क्या बोला, इफ फॉल शेड अवे फ्रॉम पॉइंट, इसका मतलब यह हुआ हां जी तो मैं यहां पे दोबारा से एक ऐसे ही लाइन बना देता हूं। अच्छा एक इनइक्वालिटी भी दिखा देता हूं, जैसे 2x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये देख के लिकेश समझ में आ रहा है डाउनवर्ड है, तो अगर डाउनवर्ड है तो पुट क्या करना बनता है, 0 0, तो 2 × 0 3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ, और 0 बड़ा होता है 10 से, ये तो क्या हो गया, फॉल्स। और अगर फॉल्स हो गया तो शेड किस तरफ करोगे, 0 0 की तरफ करोगे या 0 0 से अवे, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ करोगे कि नहीं करोगे बेटा, आती है बात समझ में, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या सीख लिया, डाउनवर्ड अपवर्ड करना सीख लिया, और पता चल गया डाउनवर्ड के लिए एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देना 0 0, ट्रू आई तो 0 0 की तरफ, फॉल्स आई तो 0 0 से अवे। ये था डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए भी यही होता है, लेकिन बस एक फर्क होता है, क्या सर, अपवर्ड के लिए एक फर्क ये है कि अपवर्ड में पॉइंट अलग लेते हैं, फॉर अपवर्ड लाइन वी यूज पॉइंट ईदर ऑन एक्स एक्सिस और फॉर अपवर्ड वी यूज पॉइंट ईदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। इस बात का ये मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जब भी आपकी अपवर्ड लाइन आएगी, जब भी आपकी
अपवर्ड लाइन आएगी बेटा, या तो लेना कहां पे एक्स एक्सिस का पॉइंट ए जीरो, या लेना वाई एक्सिस का पॉइंट जीरो बी, कोई एक लेना है, दोनों नहीं, ठीक है? अच्छा, हमेशा एक्सिस के पॉइंट लेना, ठीक है? ओरिजिन से क्यों नहीं ले रहे, अब क्यों नहीं ले रहे जीरो जीरो? ओरिजिन से इसलिए नहीं ले रहे, क्या पता हमारा जो लाइन है वो अपवर्ड में ओरिजिन से ही क्या हो रही हो, पास, किससे हो रही हो, पास। याद रखना हमें वो पॉइंट कभी भी नहीं चाहिए जो लाइन के ऊपर आता है। मैं दोबारा से बताता हूँ, एक्चुअली हमें पॉइंट कौन सा लेना होता है, जो या तो लाइन के इस तरफ आए या लाइन के इस तरफ आए। लाइन के ऊपर वाला पॉइंट हमें कभी नहीं चाहिए होता। लाइन के ऊपर वाला पॉइंट अगर लेगा तो लिकेश एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे? एलएचएस और आरएचएस बराबर, ठीक है? ये ट्रू फॉल्स कभी होगा ही नहीं। ट्रू कब होगा? जब पॉइंट से या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अब अपवर्ड में मैंने इसीलिए जीरो जीरो नहीं लिया है ना, होने को तो ऐसी भी लाइन हो सकती है, सुन, होने को तो ये भी लाइन हो सकती है, ये ले, ये भी अपवर्ड है, लेकिन ये तो किससे पास हो गई, जो पॉइंट लेने की सोच रहा था उससे पास हो गई। तो याद रखना जब भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए, इक्वल क्या हो जाए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाए, समझ जाना वो पॉइंट हमें नहीं लेना। अगर ले लिया है गलती से तो उसे छोड़ दो और दूसरा पॉइंट उठाओ, क्योंकि वो पॉइंट लाइन के ऊपर है और हमें लाइन के ऊपर नहीं बल्कि लाइन से लेफ्ट या लाइन से राइट चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो दोस्तों यहां पे आपका, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस का पॉइंट लिया। अच्छा, क्राइटेरिया आज भी वही है। क्राइटेरिया क्या है? इफ ट्रू, शेड टुवर्ड्स द पॉइंट, इफ फॉल्स, शेड ठीक है। अब पॉइंट हमें यहां पे शेड करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि पॉइंट कोई सा भी ले सकते हो आप, एक्स एक्सिस वाला भी और वाई एक्सिस। समझ में आई बेटा बात? आइए अब एक काम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट था, अब आपके क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट दीजिएगा। ऐसा बात, धूप देख के मैं हैरान रह गया। करिए आ गए, क्या फुजा लग रहा है, मैं बहुत दिनों से मैं निकला ही नहीं हूं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कहीं कहीं पे ना क्लासेस क्या होती है, सुबह सुबह होती है मेरी, तो अब सुबह सुबह में क्या होता है कि सुबह सुबह इतना पता नहीं चलता धूप का। 11 बजे वाली धूप आज देखने को मिली है, मजा ही आ गया। खैर, कह रहे इस बार ज्यादा ही गर्मी पड़ेगी है ना। ICAI.org, ठीक है, ये साइट का नाम है, मैं बाकी यही खोलता हूं। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स में अगर बुक ना आई हो तो यहां से देख लो, स्टूडेंट्स में जाके BOS नॉलेज पोर्टल क्लिक करा तो ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे BOS नॉलेज, क्लिक हेयर टू विजिट BOS, BOS मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज, क्लिक करा तो ये कुछ ऐसी स्क्रीन आ रही है। अब इसमें नीचे लो स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, व्हाट वी ऑफर के अंदर आएगा, क्लिक करा, फाउंडेशन क्लिक करा, इंग्लिश मीडियम क्लिक करा, सब्जेक्ट क्लिक करा,
बुक आ गई है, बुक के ऊपर क्लिक करा तो पेजेस उसके चैप्टर्स आ गए। मैं आपको आज की क्लास में ये एक छोटा सा चैप्टर लीनियर इक्वालिटीज करवा रहा हूँ। आइए जरा क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है? यहां पे आप जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी। पहले ग्राफ वाले क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि मैंने क्या सिखाया, ग्राफ ही सिखाया अभी। ये इनइक्वालिटी देख के बताओ कैसी है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है। तो अगर ये डाउनवर्ड है तो क्या पुट करोगे इसमें, जीरो जीरो पुट करोगे? तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू नाइन, यानी कि जीरो लेस देन इक्वल टू नाइन ट्रू हुई कि फॉल्स? तो शेड किस तरफ होगा, जीरो जीरो के टुवर्ड्स? आंसर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन। कुछ करना पड़ा, जो लिखा है वो तुम्हारे लिए लिखा है क्योंकि तुम्हें समझाना है, तुम्हें किसी को नहीं समझाना, तुम्हें लिखने की जरूरत। अगला क्वेश्चन, द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी, क्या दिख रहा है आपको? डाउनवर्ड, तो क्या पुट कर दोगे, जीरो जीरो। जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी, अब जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो फॉल्स में शेड किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द जीरो, ठीक है? कुछ करना पड़ रहा है, तो आप समझो नो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख के, वंस वी बिकम कंफर्टेबल तो हमें ऐसे पेपर करके आना है। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इस वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई एक साइड नहीं बल्कि अलग अलग साइड है, एक्स और वाई एक साइड नहीं बल्कि अलग अलग साइड है। कुछ बच्चे परेशान कह रहे ये क्या चक्कर है, क्या करें? अरे मैंने कहा अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, टू वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और फिर मैं लिख दूं माइनस एक्स प्लस में टू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, क्या इतना नहीं सोच सकता? बच्चे ने कहा नहीं कर सकता हूं। तो मैंने कहा बता फिर क्या है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? कहता है अपवर्ड। जब अपवर्ड लेते हैं तो कौन सा पुट करते हैं, जीरो जीरो तो नहीं करते, या तो एक्स एक्सिस का, या कौन सा लू बताओ, एक्स एक्सिस का ले लू? तो मैं पॉइंट ले लेता हूं क्या, फाइव जीरो, ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा ना, इस तरफ आएगा। ठीक है, तो आइए जरा पुट करके देखना, हाँ जी पुट करके देखना, एक्स की जगह माइनस फाइव, वाई की जगह पे जीरो, माइनस फाइव लेस देन इक्वल जीरो जीरो, माइनस फाइव छोटा होता है जीरो से, हाँ होता है, नेगेटिव की वैल्यू जीरो से छोटी होती है, तो ट्रू आ गया। तो अगर ये ट्रू आ गया तो शेड कहाँ होना चाहिए, पॉइंट की तरफ, और पॉइंट की तरफ शेड बी में नहीं हो रहा बल्कि किस में हो रहा है, पक्का है? कोई बच्चा बोलता है कि सर एक बात बताऊं, मैंने कहा क्या आप
इसे वाई एक्सिस का पॉइंट लेके कर सकते हो सेम क्वेश्चन को। मैंने कहा मान लो मैंने वाई एक्सिस का पॉइंट ले लिया, क्या लूं 0.6, क्या है 12 छोटा है 0 से, छोटा है 12 0 से, फॉल्स। तो जब फॉल्स होगा तो शेड किस तरफ होगा, 0.6 की तरफ होगा या 0.6 के अवे होगा, 0.6 से अवे भी कौन सा हो रहा है, पॉइंट कोई सा भी ले लो आंसर, ठीक है ना विनीत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें L1 और L2 बताओ डाउनवर्ड है कि अपवर्ड? निकेश L1 और L2 डाउनवर्ड है कि अपवर्ड? डाउनवर्ड है, हमेशा लेफ्ट से राइट देखते हैं। कुछ बच्चे पता क्या कहते हैं मुझे, कह रहे ऐसे तो अपवर्ड है यूं, ये लो ये रही अपवर्ड हो गई। मैंने कहा लेफ्ट से हमेशा क्या देखते हैं, राइट की तरफ। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से राइट कैसी आ रही है, डाउनवर्ड। समझ गए ना बात को? कुछ बच्चे कहते हैं मुझे कि ये अपवर्ड ही तो जा रही है, ठीक है। अब इधर देखो L1 और L2 जो है वो क्या है बेटा आपकी, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड वाली लाइन में हमने क्या रूल बना रखा है, क्या पुट करते हैं हम, तो 0.0। तो L1 का शेड देखो, L1 में शेड ये रहा, L1 शेड 0.0 की तरफ हो रहा है, 0.0 से अवे हो रहा है, अवे हो रहा है। तो L1 L1 क्या होगी, L1 क्या होगी, फॉल्स। L2 का शेड 0.0 के टुवर्ड्स हो रहा है, 0.0 से अवे हो रहा है, ट्रू। पक्का? ठीक है, आगे देखिए L3 और L4 देखते ही पता चल रही है क्या है, अपवर्ड है ना। तो जब अपवर्ड होती है तो लाइन क्या लेते हैं बेटा, कोई पॉइंट लेते हैं ना, बताओ कौन सा पॉइंट लूँ, एक्स एक्सिस का लूँ, वाई एक्सिस का लूँ? एक्स एक्सिस का लू, वाई एक्सिस का, कोई भी ले लू। ये लो मैंने फिर दोबारा क्या ले लिया, एक्स एक्सिस का ले लिया 5.0। तो अगर 5.0 के हिसाब से देखा जाए, अब ये देखो L3 ये रहा, L3 में शेड 5.0 की तरफ हो रहा है, 5.0 से अवे हो रहा है, यानी कि फॉल्स। L4 में शेड 5.0 के टुवर्ड्स हो रहा है या अवे हो रहा है? तो ये यहां पे ग्राफ से हमारा कंक्लूजन निकला। अब हमें पता करना है कि इनइक्वालिटी कौन सी ले। तो यहां पे आप जरा देखिए, चलो जी ये इनइक्वालिटी दे रखी है। अब मैं क्या करूंगा देख लो, पहली वाली दो लाइनों में क्या पुट करूंगा, 0.0, और बाद वाली दो लाइनों में क्या पुट करूंगा, 5.0। भाई 0.0 पुट कर जल्दी से, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 30, क्या आ गया? लेकिन हमें क्या चाहिए थी, फॉल्स। क्रॉस कर दो, एको यहां पे पुट करो 0.0, 0.0 पुट करने पे 0 > 30 क्या आ गई, फॉल्स। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 9 क्या आ गया, ट्रू।
अब क्या रखना है, 5 0, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 5/3, फॉल्स। 0 इज लेस देन 5/2, ट्रू। यही चाहिए थी ना तुम्हें, सर क्या हो गया भैया, कुछ लिखना पड़ा? अब ये सब तो मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि मुझे समझाना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है? तो दोस्तों एक काम करते हैं, बात में इतना टॉर्चर बहुत है, ठीक है, ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा आपका। आज पहली क्लास थी तो जितना सिखाना था सिखा दिया, एक तरीका समझ में आ गया कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे मैं बोलता हूँ, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट, ठीक है, बाय बेटा।